और किसान आंदोलन का मुद्दा गर्माता जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को ऑफर दिया कि वो कानून रद्द की मांग को छोड़कर हर मुद्दे पर बातचीत को हमेशा तैयार हैं। लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ शब्दों में जवाब दे दिया है कि किसान मोर्चा सरकार से शर्तों के साथ बातचीत को तैयार नहीं है। किसान आंदोलन से संबंधित जो यूनियन है उनको मैंने एक बार नहीं अनेक बार यह कहा है कि कानून को रिपील करने के अतिरिक्त कोई भी प्रस्ताव वो लेकर हमारे पास आए, हम उस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। दूसरा, हमने हमेशा किसान आंदोलन के साथ संवेदनशील रवैया अख्तियार किया है। हमेशा किसानों का सम्मान मोदी सरकार के मन में है। लगातार हमारी कोशिश है कि किसान समृद्ध हो, खेती आगे बढ़े, मुनाफे की खेती हो, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो और किसान को सरकार की ओर से अधिकाधिक सुविधाएं दी जा सकें। कृषि सुधार कानून भी इसी दिशा में भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है और मैं समझता हूँ समय रहते किसान यूनियन को उसके महत्व को समझना चाहिए कि वे फिर कंडीशन ये लगा रहे कि किसान आए बातचीत करें और कानून चेंज नहीं होंगे, कानून में बदलाव करें, कानून खत्म नहीं होंगे और आके बातचीत कर ले, धरना खत्म कर दे। तो जो 8 महीने से किसान बैठे वो ये ऐसे ही नहीं बैठे कि सरकार इसको एडवाइजर दे, एडवाइजरी बोर्ड की मेंबर है और किसान को जो कुछ कहेगी उसके डायरेक्शन पे किसान चलेगा, ऐसा नहीं है। सरकार को बातचीत करनी, जो भी होगी वो हाउस के अंदर बात होगी, उनको बात करनी है बात करें, लेकिन कंडीशन लगा कर बात ना करें। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने एक बार फिर किसान आंदोलन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आंदोलन राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि किसान कृषि कानूनों से खुश हैं और किसान आंदोलन राजनीतिक शह पर कर रहे हैं और विपक्ष विरोध की राजनीति पर उतर आया है। खेत में मस्त है, किसान खुश है कि उसको सीधा पैसा मिला है गेहूं का, किसान खुश है कि मंडियों में उसकी खरीद जिसको उसको कई कई दिन तक बैठना पड़ता था कुछ घंटों में वो हो गई है। किसान खुश है कि हरियाणा का उसको सरसों का अच्छा भाव मिला, कपास का अच्छा भाव मिला, हरियाणा सरकार ने बाजरा की जो खरीद की, हरियाणा सरकार सबसे ज़्यादा फसलें खरीदती है, हरियाणा में गन्ने का सबसे ज़्यादा भाव है। लेकिन जो ये लोग धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन करते हैं, टोल रोके हुए हैं, ये राजनीतिक लोग हैं, तरह तरह की अलग विचारधारा के लोग हैं, ये किसान के आड़ में राजनीति करना चाहते हैं। और एक किसान नेता ने तो स्पष्ट तौर पर बोल दिया है कि हम राजनीतिक पार्टी बना के इलेक्शन लड़ेंगे। तो यह हम पहले से यही बात कर रहे हैं कि इनकी राजनीतिक जो इच्छा है, किसानों के हित से इनको कोई लेना देना नहीं है और किसानों की आड़ में जो कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं ये वो लोग हैं। आम जो किसान है वो सरकार की नीतियों से संतुष्ट है, वो खुश है, उसको लाभ मिल रहा है, उसको मोदी जी की नीतियों पर भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर विश्वास करता है और उसको आमदनी जो है धीरे धीरे करके उसकी बढ़ भी रही है। किसानों के बीच में तो हम रहते ही हैं, किसान समझे हुए हैं और इस आंदोलन के नेताओं ने ऐसा ये एक मॉड्यूल बनाया कि अपना दुष्प्रचार करो, भरम पराओ, झूठ बोलो। क्या झूठ बोलो कि मंडियाँ समाप्त हो जाएगी, MSP ख़त्म हो जाएगी, किसान की जमीन चली जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि जो भाजपा का या सरकार का नुमाइंदा कोई आए तो उसको मार के भगाओ। उनको ये डर था कि सच्चाई बताने के लिए दूसरे पक्ष की आवाज़ को बंद कर दो। ये कहाँ का लोकतंत्र है? चुने हुए ये कानून बनाए हैं, ये चुने हुए प्रतिनिधियों ने बनाए हैं, लोकसभा के सांसदों ने बनाए हैं, पार्लियामेंट ने बनाए हैं और उनके ऊपर एक अलग से अथॉरिटी दिखाना चाहते हैं ये आंदोलन के माध्यम से राजनीतिक इच्छा प्राप्त करने कुर्सी की लड़ाई लड़ने वाले लोग सड़क पे बैठ के कहते हैं कि हम पार्लियामेंट से भी सुप्रीम हैं और हम सुप्रीम कोर्ट से भी सुप्रीम हैं। और जब ये आंदोलनकारियों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों को रोक दिया है तो आंदोलन का उचित कहा जाता है। फिर दूसरी बात, हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि ये जो कानून है ये ऑप्शनल है, बाध्यकारी नहीं है, आप ये मानना चाहो ये मानो, ना मानना चाहो तो दूसरा मानो।
तो आंदोलन का औचित्य कहाँ रह जाता है।